अब माननीय अखिलेश यादव जी को अगर गंगा यात्रा पाखंड लगती है तो गंगा के प्रति उनकी भाव, गंगा के प्रति उनका समर्पण, ये इस बात पर चिंता की जा सकती है। और पाखंड तो तब था जब उनकी सरकार के मंत्री, खनन मंत्री, करोड़ों रुपए के घोटाले में, खनन घोटाले के अंदर जेल लेकर गए। तो उनको तो गंगा के ऊपर कोई टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है, बोलना नहीं चाहिए उनको। तो गंगा की यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतनी लंबी गंगा यात्रा निकालते हैं, सारे जनप्रतिनिधि, सारी सामाजिक संस्थाएं, सारे प्रशासनिक अधिकारी और आम लोग गंगा से जुड़कर, आप जाइए कितना हजारों हजारों लोगों ने एक साथ खड़े होकर के गंगा की यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो वे कोई किराए के और भाड़े के लोग नहीं थे, वे अपने भाव से, अपने पवित्र भाव से गंगा के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण। चूँकि आम आदमी की भावना ये है कि गंगा केवल पानी नहीं है, गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा हमारी जीवनदायिनी है, हमारी माँ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से जिन जिन प्रदेशों से लगभग 50 जनपद को प्रभावित करती है, तो ऐसे सब जनपदों के वे जीवनदायिनी है। और ये गंगा सबके लिए, वो किसी धर्म के लिए नहीं है, वो सबके खेतों को सिंचित करती है, सबको जल देती है, सबको पवित्र करती है। तो इसमें अखिलेश यादव जी का तो मुझको लगता है उनकी एक तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। को लेकर के जहाँ भी प्रदर्शन हुए, दंगे हुए, उसको लेकर योगी जी ने कड़ी कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ में घंटाघर पर शाहीन बाग के रूप में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस पर दिल्ली नहीं, दिल्ली के शाहीन बाग में होगा, उसी तरफ जो लखनऊ में घंटाघर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कोई कड़ा करेंगे उन लोगों की कार्रवाई ढीली? देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री इस प्रकार कड़ा नहीं लिया। CAA संसद में एक बिल पास हुआ, संसद में समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, बसपा के लोग भी हैं, अन्य पार्टी के लोग भी हैं और अन्य बहुत सारी देश में पार्टियाँ हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बहुमत के आधार पर दोनों सदनों में CAA बिल पास हुआ। तो जिन लोगों ने वहाँ पर, जिनकी दाल नहीं गई, कुछ नहीं कर पाए, ऐसे लोगों ने, कुछ लोगों ने वहाँ पर उपद्रव कराने का काम किया और लोगों को गुमराह करके, मेरा मानना है कि 1% लोग रहे होंगे जो गुमराह करने का जिन्होंने काम किया, और बाकी लोग उनसे मोटिवेट होकर के बिना पढ़े, बिना देखे, बिना समझे लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने का काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने उपद्रव किया है, तोड़फोड़ की है, गुंडे की है, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी को सीज करके उनसे उगाही की है। ये देश के इतिहास में पहली घटना होगी और पहला निर्णय, कड़े निर्णय होगा जो माननीय मुख्यमंत्री ने लिया। उसकी प्रतिक्रिया भी हुई, उसका परिणाम भी आया कि सारा मामला शांत हुआ। पर हमारा मामला केवल शांत करने का नहीं है, हमारा विषय ये है कि CAA किसी भी रूप में किसी के भी खिलाफ नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपने प्रदेश में, और किसी को दिक्कत आती है तो सरकार से बातचीत करें। लेकिन उपद्रव, मुंडई, ये बदमाशी कम से कम उत्तर प्रदेश की नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश। कार्रवाई हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, समीक्षा हो रही है। जो लोग लगातार समाज को गुमराह करके हल्ला काटने का काम करते हैं, शो में जाने का काम करते हैं, उपद्रव करने का काम करते हैं, ऐसे लोग सब चिन्हित हो रहे हैं। समय आने पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जो जरा सा भी कानून से बाहर कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई। ऐसे प्रदर्शन कौन करवा रहा है? अब आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ लोग हैं जिनको, कौन लोग हैं, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, कौन लोग हैं नरेंद्र मोदी का, दुनिया के सामने आज जो एक पर्सनलिटी उनकी निकल करके आई है, पूरी दुनिया उनके नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। आज जो भारत का मूल मंत्र है, हमारी संस्कृति का, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, दुनिया में चराचर जगत के सब सुखी हो, इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये चैन नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व दुनिया स्वीकार करे। कौन है? अमेरिका कंट्रीज में, अरब कंट्रीज के अंदर भी कुछ लोग जाकर के बुरके वाली महिलाएं वो बुरका हटा करके भारत माता की जिंदाबाद बोलती हैं, वंदे मातरम बोलती हैं, नरेंद्र मोदी साहब फोटो खिंचवाती हैं। तो ये कुछ शरारती तत्वों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब चिन्हित होंगे और चिन्हित होने के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे वो कौन लोग हैं? आप भी जानते हैं, उनके नाम की आवश्यकता नहीं है, जो जो जेल जा रहे हैं कार्रवाई हो रही है।